Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Student, welcome to all of you watching here and study here. आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का पर है. इससे पहले आपने क्या पढ़ा, डबल सर्कुलेशन पढ़ा, और आज हम क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन डिटेल. तो सबसे पहले आप जान ही रहे हैं कि स्ट्रक्चर हमारा हार्ट का कैसा है, फोर चैम्बर होता है. मैमल्स में हमारा हार्ट क्या है, फोर चैम्बर हार्ट होता है. और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कि हार्ट का हमारा वॉल कैसा होता है, यानी वॉल ऑफ हार्ट. तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा वॉल ऑफ हार्ट कैसा होता है. अब ये हमारा कंप्लीट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है. लेकिन जब हम इसके वॉल के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा हार्ट पूरी तरह से आउटर तरफ से कवर्ड होता है किसे, पेरिकार्डियम. तो पेरिकार्डियम क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट. और जब हम इसको देखेंगे तो ये पेरिकार्डियम हमारा कवरिंग जो है, वॉल है, इसका थ्री लेयर में डिफरेंशिएट होता है. फर्स्ट हमारा क्या है, एपिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम, और सबसे इनर तरफ क्या है, एंडोकार्डियम. एपी मींस अराउंड, बाहर की तरफ. कार्डियम मींस हार्ट, यानी एपी मींस बाहर की तरफ, कार्डियम मींस आपका क्या हो गया, हार्ट. तो एपिकार्डियम एक्सटर्नल है कवरिंग, मायोकार्डियम क्या है, ये बीच का लेयर है, और इंडोकार्डियम क्या है, ये सबसे अंदर का लेयर है, किसका, वॉल, किसका, हार्ट का. अब एपिकार्डियम के बारे में जानते हैं, एपिकार्डियम हमारा क्या है. एपिकार्डियम हमारा दो तरह का होता है, पेराइटल और विसरल. पर अगर हम हार्ट के बाहर की तरफ से देखें तो पेराइटल हमारा क्या होगा, पेराइटल एपिकार्डियम हमारा बाहर होगा, और विसरल जो होगा, यानी विसरल मीन्स सॉफ्ट पार्ट, यानी इंटरनल. और हार्ट के इंटरनल साइड यानी एक्सटर्नल साइड हमारा क्या होगा, पेराइटल एपिकार्डियम, और इंटरनल साइड क्या होगा हमारा, विसरल एपिकार्डियम. अब हम आपको थ्री लेयर दिखाते हैं वॉल ऑफ हार्ट. मान लीजिए अगर हम बाहर से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा क्या है, सबसे किनारा हमारे जो लेयर है, ठीक है, ये हमारा हार्ट का ये लेयर क्या है, ये लेयर है हमारा एपिकार्डियम. क्या है, एपिकार्डियम. एपिकार्डियम में हमारा दो लेयर है, दो लेयर या दो वॉल आप बोल सकते हैं. ये दो वॉल हमारा क्या है, आपके बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जो वॉल है ये हमारा क्या है, पेराइटल. ये क्या है, पेराइटल एपिकार्डियम, एपिकार्डियम. और जस्ट इसके अंदर आगे की तरफ जो लेयर हमारा है वो क्या है, ये हमारा है विसरल. क्या है, विसरल एपिकार्डियम, ठीक है. और इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में हमारा एक फ्लूइड भरा रहता है. इन दोनों के बीच में क्या, ये क्या हो गया हमारा पेराइटल, और ये क्या हो गया हमारा विसरल. और इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये एक फ्लूइड भरा रहता है, ये फ्लूइड है. और इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड. क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ओके. अब जस्ट इसके इंटीरियर यानी हमारे बाहर के साइड, हार्ट के बाहर के साइड जो लेयर होता है वॉल का, वो क्या होता है, पेराइटल एपिकार्डियम. और अंदर की तरफ क्या होता है हमारा, किसका, विसरल एपिकार्डियम. और इन दोनों के बीच में जो लिक्विड हमारा भरा है वो क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जो क्या करता है, हार्ट बीटिंग के समय एक मूवमेंट, हार्ट बीटिंग के समय जो मूवमेंट होता है, जर्किंग होता है, उससे वो क्या होता है, फ्रिक्शन होने से बचाता है, ठीक है. अब उसके अंदर जब हम आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास मिडिल में जो लेयर है वो क्या है, मायोकार्डियम का लेयर है. कैसा है, मायोकार्डियम है. मायोकार्डियम हमारा स्पेशल क्या है, ये स्पेशल मसल्स होता है इसमें. और ये मसल्स हमारा किसका बना रहता है, आपका कार्डियक मसल्स का. कौन से मसल्स का, कार्डियक मसल्स. यानी मायोकार्डियम का हमारा लेयर जो होता है वो क्या है, मायो, ये हमारा क्या है, मायोकार्डियम. और मायोकार्डियम में स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होता है जिसे हम क्या कहेंगे, कार्डियक मसल्स कहेंगे. कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्डियक मसल्स
आपका क्या है मायोफाइब्रिल्स की तरह ही बना है, यानी ये लेयर हमारा क्या है लॉन्ग मायोफाइब्रिल्स ही है, यानी स्ट्रेट मसल्स फाइबर की तरह है, बट इसके पास क्या है इस न्यूक्लियस जो होता है वो दो या तीन न्यूक्लियस जो होगा वो सेंट्रली प्लेस रहेगा। तो ये कार्डियक मसल्स क्या होता है आपके दोनों मसल्स के बीच की तरह का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में आपका कैसा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका स्ट्रेट मसल्स और फंक्शन के हिसाब से आपका कैसा होता है स्मूथ मसल्स के तरह होता है, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन और स्पेशल टाइप का मसल्स होता है जिसको हम क्या कहेंगे मायोकार्डियम, यानी ये लेयर हमारा क्या हो गया मायोकार्डियम। और जस्ट इनर साइड हमारा जहां पे आपका पूल है इंटरनल ऑफ द हार्ट है ये हमारा क्या हो गया इंडोकार्डियम, ये हमारा हो गया इंडोकार्डियम, यानी अगर हम हार्ट के बाहर की तरफ से जा देख रहे हैं और ये अंदर, तो ये हमारा क्या होगा इंडोकार्डियम का लेयर हो गया। तो हमारा सबसे बाहर का जो लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं एपिकार्डियम, एपिकार्डियम है हमारा पेराइटल और विसरल और इन बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल हमारा क्या है पेरिकार्डियल स्पूल, यानी ये आपका दिस मेम्ब्रेन इज द सेरस मेम्ब्रेन, मतलब छिद्र युक्त पोरस क्या है ये मेम्ब्रेन कैसा होता है सेरस मेम्ब्रेन होता है पेराइटल और विसरल का। तो ये हमारा क्या था हार्ट का क्या था आपका वॉल की हार्ट में हमारा वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब जब हम हार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर इंटरनल ऑफ हार्ट या इंटीरियर ऑफ हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा हार्ट कैसा होता है। हमारा हार्ट फोर चैम्बर कंप्लीट फोर चैम्बर होता है, फोर चैम्बर यानी टू ऑरिकल या ऑल्सो कॉल एट्रिया यानी टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स। तो हमारा ह्यूमन हार्ट क्या होता है कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, फोर चैम्बर हार्ट। और अगर हम अगर हार्ट के साइज के बारे में या उसके जानने की कोशिश करेंगे तो हमारा नॉन फंक्शनल जो हमारा हैंड होता है आपकी जो फिस्ट होती है यानी अपनी मुट्ठी के इक्वल साइज हमारा हार्ट होता है। और मेल में हार्ट का साइज क्या होता है बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू फीमेल, फीमेल में क्या होता है हार्ट का साइज छोटा होता है और मेल में क्या होता है ये बड़ा होता है। तो आज हम इंटरनल ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे और एकदम आपको तुरंत तुरंत मेमोराइज सारा हो जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्मली यहाँ मैंने कंप्लीट फिगर बनाया है, पहले मैं आपको बता दूं कि फोर चैम्बर हार्ट हमारा अगर होता है तो वो कैसा दिखता है। तो फोर चैम्बर अगर हार्ट हम बना रहे हैं तो हम इंटरनल दिखा दे कि ये हमारा क्या है ऑरिका या हम इसको क्या कहेंगे एट्रिया, ये मैंने बनाया अभी फिगर से बता रही हूँ, देखिए ये हमारा है और ये हमारा नीचे का क्या है ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स, ये हमारा क्या है वेंट्रिकल्स। अगर हम देखेंगे तो हमारा हार्ट क्या है टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल, अगर हम देखेंगे इसको देखिए ये देखिए ये मैं फिगर इसलिए ड्रॉ कर रही हूं ताकि आप लोगों को इजी वे में फिगर ड्रॉ करने का तरीका आपको मालूम हो कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये आपका डायग्रामेटिक फिगर है 1 2 3, अभी मैं पूरा फिगर से आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये हमारा ऑर्टा लार्ज ऑर्टा। तो अगर हम अगर हार्ट के बारे में देखेंगे तो हमारा हार्ट क्या है कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड है, ये फोर चैम्बर हमारा कैसे है राइट साइड ऑफ हार्ट कॉल राइट एट्रिया ऑल्सो कॉल ऑरिकल और लेफ्ट क्या बोलेंगे लेफ्ट एट्रिया और ये क्या हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल्स और ये क्या हो गया राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो हमारा 1 2 यानी टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल्स कैसे हो गया टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल्स है हमारा। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमारा हार्ट जो है वो फोर चैम्बर्ड है, ये चैम्बर या कंपार्टमेंट कैसे बटा है, ये चैम्बर और कंपार्टमेंट कैसे बटा है टू ऑरिकल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये दो चैम्बर हमारा कैसे सेपरेटेड है एक पार्टीशन से, इस पार्टीशन को हम क्या कहेंगे मैं एब्रिविएशन यूज कर रही हूँ इंटर ऑरिकुलो सेप्टम, क्या कहेंगे इंटर ऑरिकुलो सेप्टम यानी राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट एट्रिया या राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम।
दूसरा आपको क्या देखना है कि टू वेंट्रिकल आर ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. दोनों कैसे सेपरेटेड है, एक दूसरे से सेपरेटेड है. तो सेम एज इट इज ये क्या हुआ हमारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. क्या हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. अब उसके बाद आप क्या देख सकते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल्स या एट्रिया और वेंट्रिकल्स ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. देखिए अगर नॉर्मली देखें तो ये ऐसे जिसको हम क्या कहेंगे डिप्रेशन आपको दिख रहा है. अगर बाहर से आप देखते तो हमें हार्ट में दो तरह का डिप्रेशन दिखता है. ठीक है, एक सल्कस का हमारा जिस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं सल्कस कहते हैं. तो ये हमारा कोरोनरी सल्कस और ये आपका क्या है ये वेंट्रिकल सल्कस अगर बाहर से देखते हैं. लेकिन अंदर से जब हम इसको इंटीरियर करते हैं तो हमको क्या दिखता है कंपार्टमेंट या चैम्बर दिखता है. तो एट्रिया और वेंट्रिकल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम और ये सेप्टम हमारा कैसे ओपन कैसे होगा ऑरिकल या वेंट्रिकल कैसे ओपन हो रहा है इसमें बाय ये आपका ये क्या है स्ट्रक्चर. मैं इस तरह के स्ट्रक्चर बनाऊ ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है वॉल. जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए हमारे पास कंपार्टमेंट में जाने के लिए क्या होता है डोर होती है. उसी तरह ऑरिकल से या एट्रिया से वेंट्रिकल्स में राइट साइड का राइट साइड और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के लिए हमारे पास इसके पास क्या है वॉल्व है. तो हमें चार चीज बहुत ही ज्यादा याद रखना है इसमें हार्ट के बारे में इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में. सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा फोर चैम्बर्ड है राइट ऑरी एट्रिया लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ये सेपरेटेड कैसे एक दूसरे से आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कैसे है ऑरिकल कैसे है इंटर एट्रियल सेप्टम बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम और वेंट्रिकल्स कैसे है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और ऑरिकल कैसे वेंट्रिकल और ऑरिकल कैसे सेप्टम एक दूसरे से आपका सेपरेटेड है बाय ए ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. क्या है ये सेप्टम को हम क्या कहेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. तो ये आपको याद रखना है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. और क्या याद रखना है कि हम यहाँ पे राइट ऑरिकल्स में हमारे पास यहाँ देख सकते हैं राइट ऑरिकल्स में आपके दो आपको क्या दिख रहे हैं लार्ज वेन दिख रहे हैं. तो ये क्या हुआ सुपीरियर वेना कावा और ये क्या हो गया इंफीरियर वेना कावा. ठीक है एज ए सेम आपका देख रहे हैं यहाँ पे ये राइट साइड में राइट एट्रिया में और लेफ्ट एट्रिया में आपको क्या दिख रहा है लेफ्ट एट्रिया में फोर आपको दिख रहा है क्या पल्मोनरी आपका वेन फोर आपका पल्मोनरी वेन है. क्या है पल्मोनरी वेन है फोर. इसी तरह आप यहाँ पे दिखाया नहीं गया मीन्स यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा राइट साइड से ही आपका वेंट्रिकल से अभी मैं फिगर इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगी. राइट साइड से फिगर आपका क्या हो रहा है ये जा रहा है पल्मोनरी क्या है पल्मोनरी ऑर्टा यानी लार्ज साइज ऑफ ऑर्टा और ये कहा जाता है लंग्स में. कहा जाएगा लंग्स में जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए क्योंकि लंग्स में क्या होता है एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन आता है वहां पे ऑक्सीजन का कंटेंट शरीर में हमारे और सब ऑर्गन से ज्यादा होता है वहां प्योर ऑक्सीजन हमारा ब्लड कैरी करता है और पूरे सेल तक ले जाता है. तो फ्रॉम पल्मोनरी ये एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि आर्टरी हमेशा क्या करता है प्योर ब्लड को कैरी करता है और वेन आपका इम्प्योर ब्लड. लेकिन इन द कंडीशन ऑफ पल्मोनरी में क्या होता है पल्मोनरी मीन्स लंग्स पल्मोनरी में पल्मोनरी आर्टरी कैरी द इम्प्योर ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी द प्योर ब्लड. क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड यानी ब्लड रिच विथ ऑक्सीजन. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ये क्या है ऑर्टा लार्ज ऑर्टा या सिस्टमिक ऑर्टा जिस जो भी बोलिए आर्टरी इससे क्या होगा पूरे ब्लड पूरे शरीर में आपके बॉडी के ऊपर और नीचे पार्ट में फ्लो करेगा. इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को मैंने बताया ही था डबल सर्कुलेशन के बारे में. तो ये हमारा क्या है डायग्रामेटिक फिगर है
कि हमारे हार्ट में क्या होते हैं। तो ये आपने चैम्बर के बारे में तो जान लिया। चैम्बर के बाद ये एक दूसरे से जुड़े हैं वाल्व से। यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है, यहाँ वाल्व प्रेजेंट है, और कहाँ पे प्रेजेंट है? पल्मोनरी से लंग्स में जा रहा है, यहाँ वाल्व प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारा जब आ रहा है तो यहाँ पे भी वाल्व प्रेजेंट है। तो हमारे पास फोर वाल्व भी है, फोर चैम्बर्ड एंड फोर वाल्व। और ये वाल्व कैसा होता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आइए हम इस फिगर में कंप्लीट स्ट्रक्चर इजिली देखिए। सबसे पहले देखिए आपका क्या है, हमारा हार्ट क्या है, आपका फोर चैम्बर। ये क्या हमारा राइट एट्रिया, ये क्या है लेफ्ट एट्रिया। राइट एंड लेफ्ट, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर ऑरिकुलर, यहां दिख नहीं रहा है, इंटर ऑरिकुलर सेक्टम। और यहाँ पे जो हमारा वॉल होता है मसल्स का, या कार्डियक स्पेशल टाइप का मसल्स है, कौन सा मसल्स है, कार्डियम मायोकार्डियम यानी कार्डियक मसल्स है। तो हमारा राइट ऑरिकल्स में ऑरिकल इन कंपेरिजन टू एट्रिया, एट्रिया का मसल्स जो होगा वो थीन होगा, क्या होगा थीन, इन कंपेरिजन टू वेंट्रिकल्स। ये क्या है राइट वेंट्रिकल्स और ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो क्या ध्यान देना है, पहले तो आपको ये जानना है कि आपका वॉल जो है या मायोकार्डियम मसल्स जो है वो क्या है ऑरिकल्स में या एट्रिया में क्या है थीनर इन कंपेरिजन टू क्या वेंट्रिकल्स, यानी थीन आपका और एट्रिया में और थिक इसमें वेंट्रिकल्स में। आफ्टर दैट ये भी ध्यान देना है कि राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में इनके कंपेरिजन में आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वॉल आपका होता है या मसल्स जो होता है मायोकार्डियम मसल्स वो मच क्या होता है आपका ज्यादा थीक होगा और ज्यादा इलास्टिक होता है, क्योंकि उसको पूरे शरीर में पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना रहता है, इसलिए यहाँ पे ये और भी ज्यादा थीक होगा। तो हमारा हार्ट फोर चैम्बर में आपका डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर प्री केवल ऑल्सो कॉल्ड प्री मीन्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। कहां से आ रहा है ये बॉडी, पूरे शरीर का इम्प्योर ब्लड अपर पार्ट से हमारे हार्ट में जो रिटर्न हो रहा है वो कैसे हो रहा है सुपीरियर वेना कावा, कहां पे राइट एट्रिया में। एट द सेम टाइम हमारा क्या होता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इंफीरियर वेना कावा या ऑल्सो कॉल्ड क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे ये प्री है तो ये क्या है पोस्ट, पोस्ट कावा मीन्स पोस्ट कावा वेन जो है आपका, वहां से पूरे लोअर पार्ट और अपर पार्ट से हमारा ब्लड इम्प्योर, कैसा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड हमारा कहां पोर्ट होता है राइट एट्रिया में। तो बहुत आसान ही है, राइट एट्रिया के राइट वॉल पे एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जहां पे ये हमारा सुपीरियर वेना कावा इंटर करता है। ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। ये पेसमेकर की तरह काम करता है और क्या करता है जनरेट करता है इम्पल्स। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह कार्डियक साइकिल और आपका किस तरह यह इम्पल्स को जनरेट करता है। तो हमारा राइट एट्रिया के राइट वॉल में जहां पे सुपीरियर वेना कावा इंटर करता है वहीं पे हमारा एक नोड है जिसको हम क्या कहते हैं एस ए नोड। फिर से देखिए एस ए नोड मीन्स साइनो एट्रियल नोड, ओके। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ मायोकार्डियम मीन्स स्पेशल टाइप का कार्डियक मसल्स है जो क्या होता है बोथ हिंद में टेपरिंग होती है और ये क्या होता है और सारे कार्डियक मसल से थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ आ गया, बहुत ही आसान है, एकदम आराम से पढ़िए, ये इजी तरह से आपको याद हो जाएगा राइट ऑरिकल। इसी तरह हम देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आपको क्या दिखेगा फ्रॉम हमारा लंग्स, लंग्स देखिए वन टू, या हम क्या कह सकते हैं एक दो तीन चार यानी वन
टू थ्री फोर, यानी हमारा क्या फ्रॉम टू राइट साइड एंड टू लेफ्ट साइड, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया राइट साइड, ये हमारा क्या हो गया राइट राइट पल्मोनरी वेन, और ये हमारा क्या हो गया, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन। टू मतलब फोर मैमल्स में या मैन में, मैमल्स में मतलब ह्यूमन में हमारा क्या है रैबिट में, मैंने बताया था इससे पहले वाले क्लास में, मैमल्स में हमारा रैबिट में अलग होता है लेकिन मैन में हमारा क्या है फोर, टू राइट साइड एंड टू लेफ्ट साइड, लंग से हमारा क्या हो रहा है राइट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है, ठीक है। और ये भी क्या है, क्या है कॉन्सेप्शन है, क्योंकि हमेशा वेन क्या करता है प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन हमारा क्या कर रहा है, ये प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया। अब राइट एट्रिया ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रिया हमारा ओपन हो रहा है राइट वेंट्रिकल्स बाय ए वाल्व, किसकी वजह से, एक वाल्व की वजह से। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में हम जाने के लिए क्या करते हैं, दरवाजा या डोर की जरूरत पड़ता है, सेम इसी तरह यहां से ब्लड हमारा यहां पे आने के लिए हमारा किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसे जरूरत पड़ेगी एक वाल्व की, ठीक है। ये वाल्व हमारा क्या है, इस वाल्व को हम कहेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्या कहेंगे इस वाल्व को हम, क्या कहेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है, या एट्रियल एट्रिया वेंट्रिकुलर वाल्व। और ये वाल्व हमारा क्या होता है ट्राइकस्पिड होता है, कैसा होता है ट्राइकस्पिड, मींस इसमें थ्री वाल्व्स लगे रहेंगे। जैसे दरवाजे में क्या होता है, कभी देखिए दो दो पलरे होते हैं, कभी तीन होते हैं, तो इसमें कैसा रहेगा ट्राइकस्पिड, ठीक है, यानी थ्राई मतलब तीन कस्पिड, देखिए एक दो और तीन कस्पिड रहेगा, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व रहेगा। और ये वाल्व को हम क्या कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी राइट ऑरिकल ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल्स बाय ए किसकी वजह से, आपका राइट साइड, तो क्या बोलोगे राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्या बोलोगे राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, याद कर लीजिए ट्राइकस्पिड कैसा होता है ट्राइकस्पिड होता है, ठीक है। एज ए सेम क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑल्सो इंटर द ब्लड मतलब प्योर ब्लड को, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड को ये लेके आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होता है आपका राइट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्योर ब्लड को पोर करता है, और आने के लिए इसके पास फिर एक गार्ड है वाल्व है, और इस वाल्व को हम क्या कहेंगे मिट्रल वाल्व, क्या कहेंगे मिट्रल वाल्व, क्या है ये मिट्रल। और जैसे ये आपका ट्राइकस्पिड था, ये कैसा होता है बाई बाई मतलब दो बाई कस्पिड वाल्व होता है, कैसा होता है बाई कस्पिड वाल्व, ये वाल्व हमारा क्या है बाई कस्पिड। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस वाल्व को हम क्या कहेंगे लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्या बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्या बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, या ऑरिकल या एट्रिया कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो लेफ्ट हमारा और एट्रिया ओपन हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में बाय ए वाल्व, और ये वाल्व हमारे इस वाल्व को क्या कहते हैं मिट्रल वाल्व, और ये वाल्व कैसा होता है बाय कस्पिड यानी टू कस्प का बना होता है, ठीक है। अब हमारा ब्लड प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड यहां से यहां आ गया, ऑरिकल से या एट्रिया से कहां आ गया वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में अब ये ब्लड क्या होगा आपका, ये वेंट्रिकल में आपका ये ब्लड हमारा पोर करेगा, कहां जाएगा ये हमारा ऑर्टा है, कौन सा ऑर्टा है यहां आप देख सकते हैं, ये हमारा ये क्या है ये पल्मोनरी ऑर्टा या पल्मोनरी आर्टरी, कितना टू आर्टरी, एक राइट साइड का राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये क्या है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, देखिए ये देखिए राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड यहां से आपका इसमें आया और फिर पूरा यहां से कहां गया, देखिए मैंने ड्रॉ किया यहां से कहां गया बोथ लंग्स में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हमारा क्या हो गया ये राइट
पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से हमारा किधर गया, दोहरोत्र के लंग्स में हमारा गया, ठीक है। अब वहां पे वो लंग्स में जाके, हमारे ये लंग्स में जाके, क्योंकि हार्ट के हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट हमारा क्या है, दोनों लंग्स। अगर हम देखेंगे तो क्या है हमारा, मान लीजिए ये दोनों लंग्स है, ये लंग्स, लंग्स के बीचों बीच जो मीडियास्टेनम होता है उसके लेफ्ट साइड तरफ हमारा इसी जगह पे क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, मीडियास्टेनम, ठीक है। मीडियास्टेनम के ये हमारे लंग्स के जो रिब्स है, हमारे दोनों लंग्स के बीचों बीच में जो पार्ट होता है उसको मीडियास्टेनम कहते हैं, और उसी के लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा पल्मोनरी क्या हुआ, आर्टरी से क्या हो गया, दोनों लंग्स में राइट साइड और लेफ्ट साइड में वो गया प्यूरिफिकेशन के लिए, और वहां हमारा और क्या हुआ, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से क्या हुआ, वो प्योर हो गया ब्लड, और क्या किया, पल्मोनरी वेन से वो कहां आ गया, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रिया में। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट एट्रिया से हमारा कहाँ आ रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारा कहाँ जा रहा, ऑर्टा। ये क्या है, ऑर्टा, क्योंकि ये दिख रहा नीचे, लेकिन ये कैसा होता है, ये मान लीजिए हर्ट है, ये नीचे आया और ये ऐसे फोल्ड होता है, इसके बाकी का पार्ट क्या है, यहाँ पे है, देखिए क्या है, ये ऐसे फोल्ड है और ये है ऑर्टा, क्या है, ऑर्टा। तो ये ऑर्टा से क्या होगा, पूरी बॉडी में ब्लड, प्योर ब्लड हमारा क्या होगा, क्योंकि यहां से ये कैरी कर रहा है प्योर ब्लड, और ये प्योर ब्लड को क्या करेगा, लार्ज ऑर्टा से पूरी बॉडी में क्या करेगा, ये सेंड करेगा प्योर ब्लड को फिर फॉर फर्दर वर्क। तो आप यहाँ देखिए ये राइट ऑरिकल का वॉल इन कंपैरिजन टू आपका लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा थिन होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा थिक होगा, और ऑरिकल के कंपैरिजन में हमारा जो आपका वॉल है वो क्या है, वेंट्रिकल में ज्यादा होगा, और वेंट्रिकल में भी किसमें, राइट वेंट्रिकल से ज्यादा किसमें थिक होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो हमें चार चीज याद रखना है, ठीक है। अब दो वॉल के बारे में आपने तो पढ़ लिया, पहला क्या पढ़ा आपने, ट्राइकस्पिड वॉल, दूसरा पढ़ा आपने क्या पढ़ा, मैट्रल वॉल। अब पल्मोनरी और हमारा पल्मोनरी ऑर्टा में या पल्मोनरी में हमारा जो वॉल दिख रहा है, ये देखिए मैंने वॉल वॉल बनाया, ये इस तरह का वॉल बनाया है, ठीक है, ये वॉल बनाया, तो ये वॉल हमारा क्या है, सेमी लूनर वॉल है, कि इस वॉल को हम क्या कहेंगे, सेमी लूनर, मतलब चंद्र के आकार का। इस वॉल हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, सेमी लूनर वॉल। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी क्या होती है, ट्राइकस्पिड होती है, क्या होती है, ट्राइकस्पिड, जैसे हमारा यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड। तो ये ट्राइकस्पिड है, क्या है, सेमी लूनर, यानी ऑर्टा हमारा पल्मोनरी ऑर्टा, मतलब हमारा क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ऑर्टा में ब्लड आपका जा रहा है, ऑल्सो कर्डी बाई, किसकी वजह से, एक वाल्व है प्रेजेंट, ये वाल्व को हम क्या कहेंगे, सेमी लूनर वाल, सेमी लूनर वाल, ठीक है। उसी तरह हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरे बॉडी में हमारा ब्लड जा रहा है प्योर ब्लड बाय ये ऑल्सो, ये भी देखिए ये भी सेमी लूनर वाल्व है, ये भी ट्राइकस्पिड है, क्या है, ट्राइकस्पिड। तो इस वाल्व को हम क्या कहेंगे, इस वाल्व को हम कहेंगे वेंट, आपका किसमें जा रहा है, पल्मोनरी में, तो वेंट्रिकुलर पल्मोनरी वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। इसी तरह हमारे यहाँ पे भी ये सेमी लूनर वाल्व है, ये भी ट्राइकस्पिड है और ऑर्टा में जा रहा, तो ये हमारा सिंपली क्या कह सकते हैं, सिंपल भाषा में कह सकते हैं पल्मोनरी वाल्व, क्या कहेंगे, पल्मोनरी वाल्व, और यहाँ क्या कहेंगे, ऑर्टा या ऑर्टिक वाल्व, क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे पल्मोनरी वाल्व और वहां कहेंगे ऑर्टिक वाल्व, और दोनों वाल्व हमारा कैसा होता है, सेमी लूनर, देखिए सेमी लूनर मतलब चंद्र के आकार का। तो हमारे हार्ट के पास कितने वाल्व हुए बताइए, फोर वाल्व हुए, कौन कौन से, एक राइट ऑर्टिकल से या एट्रिया से राइट में आ रहा ओपन हो रहा है बाई ये एक वाल्व, इस वाल्व को हम क्या है, क्या कहेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी राइट साइड का है, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये वाल्व क्या होता है, ट्राइकस्पिड होता है, ट्राइकस्प होता है, ठीक है। उसी तरह हमारा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, लेफ्ट का और एट्रिया लेफ्ट के वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है बाई ए वाल्व, इस वाल्व को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और ये वाल्व को हम क्या कहते हैं, माइट्रल वाल्व, और टू कस्पिक होता है, मींस बाइकस्प, टू टू वाल्व, ठीक है, टू ओपन करने के लिए टू वाल्व रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। और
ऑर्टिक और पल्मोनरी, ऑर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व कैसा होता है? ट्राइकस्मिक होता है। और इस वाल्व का हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? सेमी लूनर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो बहुत ही आसान है। अब हमें क्या जानना है इसमें, इसका नेक्स्ट हमें जानना है कि ब्लड कैसे हमारा कंडक्ट होता है हार्ट में। कंडक्शन ऑफ हार्ट के बारे में जानते हैं कि कैसे कंडक्शन होता है। तो बहुत ही ब्लड का फ्लो कैसे होता है हार्ट में। सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी हमारा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से कहाँ आता है, राइट ऑरिकल्स में, और सेम टाइम हमारा कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल्स में, बाय ए पल्मोनरी वेन। आफ्टर दैट ये वॉल्व ओपन होता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ हार्ट, क्या हुआ हमारा कॉन्टैक्ट एट्रिया क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ और ब्लड पोर हो गया किसमें, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, बाय ए वाल्व, किससे गया, वाल्व से। इस वाल्व में ध्यान देना है कि एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहेंगे, बहुत कंपटीशन में बहुत पूछता है, पैपिलरी मसल्स ऑफ कॉडेचेंजनी। ये क्या करता है, देखिए आपका वेंट्रिकल्स के वॉल से लगा रहता है, ये देखिए पैपिलरी क्या है, कॉडेचेंजनी। ये क्या करता है, वाल्व को पुल करके रखता है ताकि ब्लड एक बार ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में या एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आए तो बैक फ्लो ना हो पाए। सेम कंडीशन आपका राइट साइड भी और सेम कंडीशन लेफ्ट साइड भी, आप देख सकते हैं कॉर्डा चेंजनी, ठीक है। ये क्या करेगा, पुल अप करेगा वाल्व को, क्लोज करेगा कि बैक फ्लो, मतलब एक बार ब्लड यहाँ आ गया तो ये फ्लो उधर ना हो। तो ये बहुत कंपटीशन में पूछता है क्या, पैपिलरी मसल्स ऑफ कॉर्डा चेंजनी। जैसे ही ब्लड आपका लेफ्ट आपका राइट ऑरिकल्स में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में आया, यहाँ पे क्या हो गया, ये पल्मोनरी ऑर्टा से, ठीक है, कहाँ से, देखिए पल्मोनरी ऑर्टा से दोनों लंग्स में गया, वहां प्यूरिफिकेशन हुआ, आफ्टर प्यूरिफिकेशन वो लंग्स से हमारा कहाँ आ गया, पल्मोनरी वेन से, किसमें क्लोज किया, किसमें आया, किसमें ब्लड को पोर्ट किया, लेफ्ट एट्रिया में, और फिर लेफ्ट एट्रिया से वाल्व के द्वारा मिट्रल वाल्व से किसमें आया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जब वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो कहाँ आया, गया वो पूरे बॉडी में ऑर्टा से, सिस्टमिक ऑर्टा, और इस तरह पूरा ब्लड का हमारा कंडक्शन हो गया। तो कंडक्शन ये ध्यान देना है कि एक बार अगर ब्लड नेक्स्ट चैम्बर में आ जा रहा है या अगले चैम्बर में आ जा रहा है तो बैक फ्लो नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, स्पेशल टाइप का मसल, स्पेपुलरी मसल प्रेजेंट होता है इसके वेंट्रिकल्स के वॉल से, ठीक है। तो हमारा बहुत ही सिंपल है, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, और इसको इजिली बहुत आराम से पढ़िए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके।